यार हम लोग कैस्पी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इंटरव्यू कर रहे हैं सर्वे, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए क्या प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक के? ट्रैफिक की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अभी आप ये देख लें किस तरह, अभी आप ये खुद देख लें, आप उस तरफ तो कैमरा घुमाइए, देखें आप ट्रैफिक, ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं ना किस तरह। अभी मैं गाड़ी मुझे निकालनी है, घंटे से वेट करो, रोड कब खाली होगा, आगे से जाम पड़ा हुआ है सब, आप इसमें मैं क्या कर सकते हैं। भाईजान हम लोग कैस्पेड यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे आपसे 2 से 3 सवाल पूछने हैं। ये कि पहला, आप लोग को गाड़ी ड्राइव करते हुए ट्रैफिक में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? ट्रैफिक में जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते और बगैर सिग्नल का ध्यान करते हुए और जल्दी के चक्कर में जब ये इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं, खुसूसी तौर पर हमारे बाइक वाले और बस वाले जो है उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले बिलावजा तंग करते हैं या नहीं, या असूल पे तंग करते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले खैर मुझे तो तंग नहीं करते, वैसे पब्लिक को करते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी अपनी जगह पर सही होते हैं, मगर हम लोगों को भी थोड़ा उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए। जो लोग हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हम लोग उनका फॉलो उनको करते नहीं, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे चले जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें भी देखनी चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम कैस्पेड यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सर्वे कर रहे हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको रिक्शा चलाते वक्त आपको क्या रोड पे मुश्किलात पेश आती है? ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलात नजर आती है, ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलात नजर आती है। अच्छा, तो वो आपके साथ क्या करते हैं, मतलब बिलावजा रोकते हैं या उसूल पे रोकते हैं? बिलावजा इधर उसूल पे कौन रोकता है? अच्छा, तो मतलब आपसे वो लोग पैसे लेते हैं, क्या करते हैं? 20-25-50। अच्छा, वो बड़ी आसानी से मान जाते हैं? अफसर नहीं लेता है, जो उनके जेरे दस्त हैं, 10-20-50। अच्छा, और उसके अलावा रोड पे आपको चलते हुए क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े टावर बनाए हुए हैं, शॉपिंग सेंटर बनाए हुए हैं, उनके आगे गाड़ी तो पार्क हो सकती है, रिक्शा उधर नहीं खड़ी कर सकते। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बंदा यहाँ से रॉन्ग वे जा रहा है। सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल के रूल्स ब्रेकिंग, हालांकि ये कोई ऑटोमोबाइल भी नहीं है, एक रेड़े वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़ी थी, जहाँ उन्हें स्टॉप होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया यहाँ पे खड़े होके, काफ़ी लोगों से पूछताछ की, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद जब हम लोग ट्रैफिक पुलिस वालों के पास आए तो उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम लोग ऑन स्क्रीन नहीं आ सकते, हम आपको अपने मसले ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि वी आर नॉट ऑन ऑफिसर पोस्ट। तो उनके जो मसले हैं, उनका कहना ये है कि भाई यहाँ पे हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदा लाइसेंस होल्डर है, लेकिन उनको रूल्स नहीं पता, बेसिक ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो उन्हें नहीं पता। गाड़ी स्टॉप पे कहाँ रुकती है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे। वो लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे नहीं रुकते। किसी को अगर वायलेट करते हुए, रूल्स तोड़ते हुए अगर हम लोग वो लोग किसी को रोकते हैं, तो वो या तो किसी से फ़ोन करवा लेते हैं या पार्टी बेस पे प्रेशर देके उन्हें निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और ये बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़ा हुआ है, इसको जहाँ स्टॉप होना चाहिए वहाँ स्टॉप नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक देखिए, हर चीज़ A to Z प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे लोगों को रूल्स नहीं पता।